शालिन, पहले तो आप जिस तरह बिग बॉस के जरिए आपने आपकी गेम रही है काफ़ी अमेजिंग रही है, काफ़ी बार मैंने कहा है, अब बाहर आके कैसा लग रहा है? एक ये जो एक हफ्ता आपके लिए बीता है, आप गए भी थे दर्शन करने के लिए, किस तरह से आपका ये पिछला हफ्ता बीता है आपके लिए? मेरा हफ्ता ना ऐसा वाला बीत रहा है आज़ादी नहीं नहीं यार, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सारा बहुत ही अलग फीलिंग है, क्योंकि मेरे लिए ना अभी क्या हो गया कि मैं जिस दिन बाहर निकला उसके अगले दिन से मैं काम करने लग गया, तो मेरे को ना वो टाइम ही नहीं मिल रहा ये समझने के लिए कि अच्छा मेरा काम एक ख़त्म हुआ और बिग बॉस जो था वो कैसा रहा, क्या रहा, वो जानने का मुझे, आप लोगों से मिलता हूँ तो मुझे जानने का मौका मिलता है कि कैसा रहा, जब आप मेरे से दो तीन सवाल पूछते ना तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये भी हुआ था या मतलब मैं वाराणसी जब गया तो वहाँ पे लोगों ने मुझसे पूछा, अदरवाइज़ मुझे वो समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैं दूसरे काम में फटाफट में शिफ्ट कर रहा हूँ, काम हो रहा है, और पर बहुत मज़ा आ रहा है यार लोगों से मिलके, उनका प्यार, उनके आप लोगों की वजह से इतनी मोहब्बत मिल रही है मुझे और इतना प्यार मिला है मुझे पूरे देश से, और वो आप लोगों की वजह से, क्योंकि प्रेस जो है जब आप लोग दिखाते हैं तब लोगों तक पहुँचती है बात, एंड थैंक यू सो मच गाइज सीरियसली, बिकॉज बहुत मोहब्बत मिली, मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था, मतलब मैं अपने आप को शायद शक्ल पे देख रहा हूँ आईने में और मैं अपने आप को बोल रहा हूँ तुझे प्यार कर रहे हैं, कैसे क्या देख रहा है ऐसा। शालिन बालाजी हाउस के बाहर हमने आपको देखा था, बेकाबू को लेकर बातचीत चल रही है, क्या कुछ हमारे अपडेट देना चाहें अगर आपको? यार मैं ऑनेस्टली बोलूँ अभी थोड़ा सा सून होगा ये बताना कि क्या हो रहा है क्या है, क्योंकि अभी क्या खाना आधा पका हुआ ना अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा सा ऐसा लाल मांस जैसे होता है ना, रोगन गोश्त है ना, थोड़ा सा आराम से कोयले में खोलाया जाता है, तो अभी थोड़ा सा हम काम को खोला रहे हैं और थोड़ा सा और पक जाएगा ना तो माइंड ब्लोइंग चिकन बनेगा और बहुत मजा आएगा खाने में, आप लोगों के लिए भी मैं सच बता रहा हूँ। शालिन आपको कौन से रियलिटी शो में ऑफर आया अभी कुछ? मेरे को खतरों में और यार भाई खतरों का तो मेरे को रोहित शेट्टी सर ने ही किया था, बहुत बहुत स्वीट है रोहित शेट्टी सर कि वो हमारे शो में आए और उन्होंने खतरों ऑफर किया, एंड मेरे में आप लोगों को पता है मेरा टास्क तो हमेशा अच्छा ही रहता है, टास्क में तो मैं बहुत कमाल रहा हूँ, क्या बोलते हो? बहुत बहुत है ना, हमेशा ये बनना चिकन एक अमेजिंग है ना। हाँ आपके शो के बारे में बताइए, आपको देखा गया है बालाजी के ऑफिस के बाहर, तो शो के बारे में आप क्या बोलोगे? अभी बहुत इट इज़ टू सून टू टॉक अबाउट बालाजी एंड व्हाट आई एम डूइंग इन बालाजी, बट येस वी आर टॉकिंग, आधा पका खाना अभी मज़ा नहीं आएगा, आप लोगों को थोड़ा सा खाना पक जाएगा तो आप लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई एम रियली ग्लैड, एंड एकता मैम और यू नो बालाजी के साथ में एक ड्रीम होता है काम करना, एंड एकता मैम एक बहुत कमाल की प्रोड्यूसर हैं और बहुत संजीदा उनमें सेंस ऑफ यू नो मेकिंग है, शी इज़ अ वेरी गुड मेकअप, सो वर्किंग विद हर विल बी अ प्लेजर एंड ऑनर, तो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अगर उनको मैं ठीक ठाक लगा है ना, और अगर मैंने उनके साथ में काम किया तो मुझे बहुत मजा आएगा, I'm looking forward to it। शालिन लॉकअप टू भी आ रही हाँ जी, हाँ जी, एंड वो भी एकता मैम का ही शो है, अगर what would you like to say, अगर आपको ऑफर आया? यार बहुत कमाल का शो है, लेकिन फिलहाल ना अभी क्या है कि आए और बहुत हिट शो है लॉकअप, एंड आई रियली वॉन्ट कि कुछ लोग करें, मैंने ना मतलब 10 साल पहले एक रियलिटी शो किया था पर 10 साल के बाद में किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे 10 दिन में 10 हफ्ते में मैं कोई और रियलिटी शो करूँगा। व्हाट्स योर मेन फोकस राइट नाउ? माय मेन फोकस राइट नाउ इज टुवर्ड्स माय क्राफ्ट यार, मैं बहुत क्राफ्ट का पक्का आदमी हूँ और मुझे मज़ा आता है, मैं एक एक्टर हूँ और रियलिटी टीवी ना एक अच्छा सा ब्रेक होता है एक एक्टर के लिए, कलाकार के लिए एक अच्छा ब्रेक है जो कि मुझे मिला, लोगों ने बहुत सराहाया, लोगों तक ये पहुँचाना कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ है ना, मैं कैसा हूँ, मैं उछल तक उतर रहता हूँ, और आप लोगों ने देखा मैं हमेशा ही ऐसे उछल तक उतर रहता हूँ जैसा मैंने शो में भी उछल रहा था, तो रियलिटी टीवी उस चीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन जो आपका मेरा काम जो है, मेरा काम वो कला है ना, वो आर्ट है जिसको हम जो एक्टर्स का जो क्राफ्ट होता है, तो वो क्राफ्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उस क्राफ्ट में काम करूं, क्योंकि वही मेरा धर्म है ना, और वही मेरा कर्म है एक्चुअली, तो उस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने का चाह रहा हूँ और मैं उस पर कर रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा काम आए या ऐसा कुछ अच्छा कैरेक्टर है तो मैं ज़रूर करूँगा और आप लोगों को एंटरटेन करूंगा, वही मेरा काम है ना। शालिन बिग बॉस 16 के घर के बाहर निकलने के बाद शिव और प्रियंका के बारे में ऐसा बज़ है कि वो लोग म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं, अगर हाँ। आपको मौका मिले म्यूजिक वीडियो शूट करने का तो कौन सी वो फीमेल कंटेस्टेंट होंगी जिनके साथ आप म्यूजिक वीडियो करना चाहिए? नहीं मैं आइटम गर्ल भी बन जाऊंगा यार, मैं शिव के साथ में आइटम गर्ल बन जाऊंगा, एमसी स्टैन के साथ में मैं आइटम गर्ल बन सकता हूं, टीना के साथ म्यूजिक वीडियो ऑफर हुआ तो नहीं मैं एक्चुअली बताता हूं, मैंने खुद अपने बारे में इतनी अफवाहें सुन रहा हूं आजकल कि मैं ये कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं
है ना, तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मैंने खुद 3 म्यूजिक वीडियो के बारे में खुद ही सुन चुका हूँ अपने बारे में। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम अब जब स्पॉट हुए थे नहीं, आप काफी खुश हुए थे, आपने काफी सराहा। मैं देख रहा था फिर कॉमेंट सेक्शन में, पीपल वर वेरी हैप्पी, आप लोग आपको काफी प्रेज किया उस कॉमेंट के बाद। व्हाट वुड यू लाइक टू से टू योर फैंस? यार मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं आपको सच बताऊँ, मैंने ये चीज़ आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ बोली थी कि मैं से कोई बहुत परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, yes. है ना, मैं अपने में रहता हूँ, अपने में खुश रहता हूँ, और लोगों का बड़प्पन है कि वो मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, yes, है ना। मैं तो बहुत ही ऐसा इम्परफेक्ट सा आदमी हूँ, और मेरे बहुत सारे इम्परफेक्शन हैं, लेकिन मैं अगर कोई गलती कर रहा था तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ जो मुझे प्यार कर रहे हैं। मैं सच में पता नहीं, मैंने तो इतना कुछ ऐसा खास किया भी नहीं जीवन में कि मैं इतनी मोहब्बत डिज़र्व करूं, पर मुझे मिल रहा है यार, मैं बहुत खुश हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह से गिव बैक करूं। yes. और हम लोग कुछ ऐसा प्लान भी कर रहे हैं, कुछ फाउंडेशंस के साथ में जोड़ के भी मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूं, जिसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, पर मैं कर रहा हूं। तो किसी तरह से कम्युनिटी को गिव बैक करना चाहूंगा, मैं अपने देश को गिव बैक करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू।